इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम, गुरु भक्त परिवार। रम नमः अरम नमः अकारो परमो बोधो रेपो विश्वावलोकद्र अकारो अनंत वीर्यात्मा बिंदुशादुत्तम सुखम। महानुभाव, अरम शब्द शुद्धों के प्रतीक है। जैन शास्त्र में ध्यान के लिए इसको प्रत्याहार कहा। अ का अर्थ है अनंत ज्ञान, र का अर्थ अनंत दर्शन, ह का अनंत शक्ति और म का बिंदु का अर्थ है अनंत सुख। इस तरह से सिद्धों के मंत्र में प्रारंभिक मंत्र है। जैन शास्त्र में द्वादशांग में समय सार को सर्वोच्च उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ ईश्वरश्री प्राकृत भाषा में सो अन्नानी मूडो व्योणयान दे समय सारम। जैन आचार्य कहते हैं भाव संग्रह में आचार्य देव से कि जो एक बार भी समय सार का कोई अध्ययन मनन चिंतन नहीं किया या सुना नहीं वो मूर्ख और अज्ञानी है। क्योंकि समय और सार, समय शब्द का अर्थ आत्मा भी है और समय भी है। सम उपसर्ग दत्त्या तक जितने धातु होते वे सब ज्ञानार्थक होते हैं। समय बोले आत्मा और सार, जितना समय आत्मा को दिया वो सार है, बाकी सब निस्सार है। संसार में जितने भी काम करते हैं वो सब निस्सार है, आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं। कुंद कुंद ने समय सार के 206 गाथा में एक बात कही, वो मन चिंतन करने का विषय है। एदम मिलदो निचम संतुष्टो हो ही निचम एदम में एदेण हो चित्तो हो देती उत्तम सुख। उत्तम मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है ज्ञान से प्रेम को, सम्यक ज्ञान से प्रेम को, सम्यक ज्ञान से संतुष्ट हो जाओ और सम्यक ज्ञान से तृप्त हो जाओ। मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान से ही सुख संभव है और वह आध्यात्मिक ज्ञान से तत्वज्ञान की प्राप्ति हो। तत्वज्ञान जैसे वे गुणाश्रय, तत्वज्ञानी के सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। तत्वज्ञान से जो हीन है वो संसार में कहीं भी रहे दुखी रहता है। तत्वज्ञान विहीना नाम निर्गंतम निष्फलम, बिना तत्वज्ञान बिना आध्यात्मिक ज्ञान के साधु बनना व्यर्थ है, निष्फल है, कोई प्रयोजन नहीं, घर छोड़ने से क्या फायदा है। ये बात वादी शिवाचार्य ने क्षत्र चुड़ाव ने भी कहा। हम अन्न खाने से नहीं जी रहे, पशु पक्षी चीटी हाथी घोड़े सब चूहे सब खाना खाते और मर जाते, परंतु हम जो ज्ञानामृतम भोजनम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही जी रहे हैं, वह आध्यात्मिक ज्ञान ही मनुष्य को सुखी बनाने में समर्थ है। महानुभाव, हम इस संसार के अंदर व्यर्थ के अंदर एक दूसरे के कर्ता बनते जा रहे हैं। मेरे वजह से ये सुखी है, मेरे वजह से ये सुखी होगा, ये जैन आचार्य ने इसको मिथ्या माना। आप अपने पुण्य पाप से सुखी हो सकते हैं, अपने परिणामों से सुखी हो सकते हैं। ये तो कर्ता परमात्मा पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन्म तेषां न मोक्षो मोक्षणम्। एक दूसरे के कर्ता बनते जा रहे हैं, अध्यात्मवाद में इसको विरोध किया। आप अपने आत्मा के कर्ता, अपने परिणामों के कर्ता, दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते। एक दूसरे के कर्ता हो जाए अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। किसी वस्तु का हम कर्ता नहीं हो सकते। हम अपने ज्ञान के कर्ता है, हम अपने आत्मा के कर्ता है। जो कर्तृत्व भावना है
मेरे विजय सुखी, मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, ये अहंकार है। और अहंकार ही सबसे बड़ा अध्यात्म में बाधक है। थोड़ा सा भी वैभव होते आदमी को बहुत बड़ा अहंकार आता है। जैनाचार्य ने अहंकार व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि कहा, नास्तिक कहा। कैसे? ज्ञान का अहंकार, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पूजा का अहंकार, मुझे इतने लोग जय जयकार बोलते, इतने मेरे चेले चपटे हैं, ये अहंकार। मेरा कुल ऊंचा है, ये अहंकार। मेरी जाति, माँ जो है बहुत बड़े घर की है, उच्च जाति के, ये अहंकार। बल, मैं इतना ताकतवर हूं, ऐसे धक्का दे तो सब मर जाएंगे, ये मिथ्या मत है। और सहसा इससे बचना चाहिए। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में मोक्ष मार्ग में बाधक है। महान भाव आचार्य कहते हैं, संसार में 24 घंटे आदमी किसी न किसी बातों में फंसा हुआ है। आदमी जब थक जाता है, मुझे तो नींद लेना है, भूख लग गई, खाना खाना, सब बातें करता है। सांसारिक बातों से मन भी तो थकता है, इसलिए थोड़े देर के लिए समय सारे आचार्य अमृत चंद्र ने अमृत कलश में कहा, विरम के मतरेण कार्य को रहा, थोड़ी देर विराम करो, संसार की बातों से विश्रांति ले लो। कार्य कोराहल है ना, कितने कोराहल में 24 घंटे तुम फंसे भी हो संसार के अंदर। स्वयं अपनी निवृत्त संग, उन्होंने तपस्या कर ली, ये मोक्ष चले गए, इन्होंने दान दिया, दूसरे के गीत गाते गाते हम थकते नहीं। आप स्वयं ने कितने तप किए, जप किए, आध्यात्मिक तपश्चर्या, परोपकार, सेवा, आपने अपने लिए क्या किया? मेरे पूर्वज बहुत बड़े दानी थे, धर्मात्मा थे, उनके गीत गाने से नहीं चले। स्वयं को उस मार्ग पर चल के दिखाना बहुत जरूरी है। महानुभाव, दुख का कारण संसार में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान। धर्म को अधर्म मानना, या अधर्म को धर्म मानना, हिंसा को धर्म मानना। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अहिंसा में है, सत्य में है। गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है, ऐसी एक धारणा है। महाभारत ने एक बात कही है, जब पांडव लोग गंगा नहाने जा रहे थे, नारायण श्री कृष्ण से जाके प्रार्थना की, आप भी चलो, बोले मुझे नहीं आना है, आप प्रतिनिधि भेजो मेरे पास, कोई प्रतिनिधि, कोई चीज दे दो। एक तुम्बी का फल तोड़वा के दे दिया, सिर पर रखे। जितने भी गंगा के किनारे लोग स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, वो सिर पर रखकर डुबकी लगाते रहे। लाखों लोग आए थे। जब वापस लौटे, नारायण श्री कृष्ण जी से कहा, हमारा एक बार स्नान पर इस फल का जो है लाख हुआ। रसोईया को बुलाया, टुकड़े करके प्रसाद बांटो, कहा तुम्बी का फल आप जानते बहुत कड़वा होता, कोई चक्कर आने लगा, कोई थूकने लगे, क्या हुआ? बोले साहब इसका अंदर से कड़वा बना नहीं। इसलिए नारायण श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मत्सर, ये जो कड़वा बना दिल में वो निकाले बिना गंगा स्नान, चरम धोने से कर्म नहीं। न वारणा शुद्ध चांतरात्मा, पानी से धोने से शरीर चरम धो सकता है, पर आत्मा धुल नहीं सकता। आत्मा को धोने के लिए आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। ज्ञान के समान दुनिया में कोई श्रेष्ठ और पवित्र नहीं है। और उसी से सम्यक ज्ञान जलेर वचो विरमलम तत्रानुकंपा, अनुकंपा परायण आचार्य लोग सम्यक ज्ञान रूपी जल से आत्मा को धोने के लिए कोशिश करते रहे, और धोना चाहिए कहा। अंतरंग की शुद्धि, बहिरंग की शुद्धि तो पशु पक्षी प्राणी सब करते रहते हैं, और उसका अंत नहीं है। मोर पक्षी है, ना पाउडर लगाता है, ना साबुन लगाता है, कितना सुंदर है वो, प्रकृति से उसको सौंदर्य बना दिए। मनुष्य जो है 24 घंटे नाना तरह के उसको सुगंध द्रव्य लगाओ, गहने पहनाओ, अलंकार लगाओ, नाना तरह के शरीर के श्रृंगार करते रहता है। मरने के बाद जो मुर्दे का श्रृंगार करते, वही तो श्रृंगार है।
एक बार भी आत्मा का श्रृंगार अध्यात्म के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित के द्वारा रत्नहार पहना हो, इस संसार में पुनरपि जन्म मरण के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं, ऐसे आचार्य ने कहा। फिर एक बात मैं अहंकार की और क्रोध मान माया लोभ की बात कही, ये बहुत एक वैज्ञानिक बात कही है, स्वेच्छा कारण जीवने तनवताने स्वेच्छा मार्ग तान उपाय कर्माधीन तुच्छम क्रोध मान माया गोवार्ध प्रेक्षाकार कषाय शूद्र रत्ना, क्या बात कही, अद्भुत। बोलते ये शूद्र है, ये हरिजन है, ये ब्रेंच है, छूने से नहा लेते हैं। आचार्य कहते 24 घंटे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मत्सर, ये जो अंदर शूद्र बैठे हैं उनको क्या करोगे, वो तो छू रहे 24 घंटे, उनको तो धोते नहीं, भारी धो उसने छुआ इसने छुआ पंख छुआ हड्डी छुआ इससे तो नहाते रहते हैं। तो आत्मा में जो क्रोध मान माया रूपी शूद्र बैठे हुए लेच बैठे वो बार बार आत्मा को जो छूते हैं उसे साफ कैसे करोगे, इसलिए कहते राग द्वेष उत्पन्न होने देना नहीं। यदा कदाचित राग द्वेष उत्पन्न हो जाए धर्म ध्यान से तत्व ध्यान से ही उसको समाप्त कर सकते, ध्यान से समाप्त कर सकते। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते क्षण, एक क्षण भर भी परमात्मा का ध्यान आत्मा का ध्यान, नमो अरिहंतानम नमो शुद्धानम नमो आयरान नमो उज्जानम, ये जो पंच परमेश्वरी का ध्यान भी करते हैं असंख्यात कर्म नष्ट हो जाते, पाप कर्म नष्ट हो जाते। महानुभाव नमोकार मंत्र के बारे में बहुत वैज्ञानिक ढंग से ध्यान करने के लिए आचार्य ने कही है, वो भी आप लोगों को संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। एक जाप करने के लिए जप शब्द का अर्थ है, जब बोले तो जन्मनाश, प बोले तो पापनाश, जकारो जन्म विच्छेद, पकारा पापनाश, तस्मात जपैति प्रोक्त जन्म पाप विनाश। जप चार तरह के शास्त्रों में बताया श्लोक वार्तिक में, एक वैखरी जप, वैखरी शब्द धरी जो ओट और जीभ हिलाते हुए जो शब्द बाहर निकलते हैं इसको वैखरी शब्द कहते हैं, अपने को सुनाई दे और दूसरे को भी सुनाई दे, इसको वैखरी जप कहते हैं। इससे 25% आत्मा को लाभ है, 75% सब हवा निकल जाते हैं, शब्द बाहर निकलते हैं। फिर एक उपांशु जप है, वो ठेला भी नहीं जी हिलाते भी नमोकार मंत्र बोले, उसको उपांशु जप कहते हैं, 50% आत्मा को लाभ है उस नमोकार मंत्र जपने से। फिर देखो वैखरी उपांशु के बाद मानस जप, मन में ही नमोकार मंत्र का चिंतन करना, इस 75% लाभ है। जैसे कोई बच्चा स्कूल से आने में देरी होने से माँ दरवाजे पर खड़े बार बार देखती है, चिंतन करती है देर क्यों हुआ अभी क्यों नहीं आया, इसी तरह से नमो अरिहंतानम नमो शुद्धानम नमो आयरानम इत्यादि यदि जाप मानस जप करता है तो 75% पाप कर्म नष्ट होते हैं और आत्मा निर्मल होता है। उसके बाद सूक्ष्माश्चेती, सूक्ष्माश्चेती जो है अत्यंत वैज्ञानिक है, जैसे नमो अरिहंतानम बोले और चुपचाप समता भाव से शांत बैठे उसको समय कहते, ध्यान कहते, निर्विकल्प दशा कहते। नमो अरिहंतानम के विकल्प निकल गए, अभी नमो शुद्धानम बोलने के मन में विकल्प नहीं आए, उसके बीच का जो क्षणभर काल है वो निर्विकल्प दशा है, वो आत्मा के परमात्मा के समीप पहुंचने का समय है, वो समता भाव समय के, वो समता भाव ध्यान है। और समता की कोई सीमा नहीं, जैसे आकाश विशाल है वैसे समता भाव सामायिक भी विशाल है। हम प्रतिनित्य नियत अनियत काल में सामायिक करते हैं, जैसे प्रातः काल मध्यान्ह और सामायिक ध्यान करते हैं, योग करते हैं, परंतु अनियतकालिक योग जो है जब भी जहाँ बैठे हुए आग मिश के एक क्षण भर के लिए हम परमात्मा का स्मरण करें, नमोकार मंत्र का स्मरण करें, नमोकार मंत्र का जाप करें, असंख्यात कर्मों की जरा होते कर्म नष्ट हो जाते, पाप नष्ट होते। जैसे मैं एक दृष्टांत देते रहता हूँ, एक आदमी ने साल भर कपास रुई इकट्ठा करते रहा खरीद के ढेर लगा दिया, पर एक ठिनगी पड़ते वो भस्म हो जाता है। जीवन भर की हुए पाप जो है परमात्मा के नाम स्मरण से क्षण भर से सब जल के भस्म हो सकते हैं, इतनी महान शक्ति सिद्ध परमेश्वरी नमोकार मंत्र में शक्ति। नमो अरिहंतानम नमो शुद्धानम नमो ऐरियानम नमो वज्जानम नमो लोये सवसाहु।
ये नमोकार मंत्र हरियानम बोलना चाहिए, ई शब्द होना चाहिए, अरिहंतानम के लिए री होना चाहिए, और इसी तरह से एसो पंचनमुक्कारो सोवप्पा उपनाशन मंगलानि सवेशम परमम हो ही मंगलम होता है, शुद्ध पाठ है, हवई नहीं होता, हवई अशुद्ध है, अनुष्टुप छंद है, 32 अक्षर होना जरूरी है, जिसको प्रमाण पदवी कहते हैं। महानुभाव नमोकार मंत्र से अनेक प्राणी तिर गए, अंजन चोर जैसा आदमी भी महान पापी था, परंतु वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से कैलाश पर्वत गया, वहाँ दीक्षा ली, तपस्या करते रहा और उसी भूमि में मोक्ष गया, मोक्षम गतः रत्नश्लोकाचार्य में कहानी है। नमोकार मंत्र का प्रभाव समस्त पृथ्वी मंडल के अंदर, जैन आचार्य ने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिस ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं किया हो, परंतु श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और एकाग्रता से उस नमोकार मंत्र को जपना चाहिए। नमो शब्द का अर्थ है अहंकार नष्ट होता है, नमो शब्द कहते अहंकार नष्ट होता है और आनंद भी होता है, मैंने भगवान को नमस्कार कर लिया। और अरिहंतानम शब्द का अर्थ है पूज्य भगवान, अरह पूजनी पूजार्थक है अरह धातु। इस तरह से नमो बोलते अहंकार नष्ट होता है और अरिहंतानम बोलते कर्म नाश हो जाते हैं, मन में आनंद उत्पन्न होता है। नमोकार मंत्र बोलते समय, मंत्र पढ़ते समय यदि मन में आनंद होता है, आनंद ही तो धर्म ध्यान है, और आर्तरोद्र ध्यान रात्र दिन में उसको ठगाऊं, इसको बुरा करूं, ये जो विचार है वो अधर्म के विचार है। मैं आज आप लोगों को यही कहूं, आप चाहे तो ओम एक अक्षर का जाप करिए या अरहम शब्द का जाप करिए, अरहम में भी महान शक्ति, जिसके घर में स्वर्ग निर्माण करना है तो आचार्य ने कहा अरहम का ध्यान करो। अरहम ये समस्त सिद्धों के प्रतीक है, सिद्ध भगवान जो होते हैं वो अष्टकर्म रहित होते, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अंतराय आयु नाम और गोप, अष्टकर्म रहित होते सिद्ध भगवान। सिद्धों का नाम स्मरण जितने देर के लिए हम अरहंत का जाप जपते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम, गुरु भक्त परिवार।